हेलो गाइस, वेलकम बैक कार परिवार। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं आज इस गाड़ी का हम रिव्यू करने वाले हैं, वह हुंडई की i10 नियोस। अभी जो दोस्तों सामने खड़ी हुई है, इसका i10 का मगना वेरिएंट है। दोस्तों ये गाड़ी हमें चार वेरिएंट्स के साथ में अवेलेबल है, एरा, मगना, स्पोर्ट्स और आस्था। हमारे जो सामने खड़ी हुई है दोस्तों, ये मगना है। कुछ इस तरीके की दोस्तों हमें इसमें की मिल जाती है, आप लोग देख सकते हैं। एक की दोस्तों हमें इसमें फ्लिप की आती है, ये देख सकते हैं आप लोग। सेंटर डोर लॉक अनलॉक दोनों मिलते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। और दूसरी की दोस्तों हमें इसमें सिंपल मिल जाती है। कुछ इस तरीके का दोस्तों हमें इसका फ्रंट लुक मिल जाता है, जो कि दिखने में काफ़ी प्यारा लुक है। हुंडई की i10 नियोस में दो इंजन के साथ में अवेलेबल है ये। एक दोस्तों इसमें आता है पेट्रोल का 1.2 1200 cc का इंजन, और दूसरा इंजन दोस्तों हमें इसमें मिल जाता है डीजल इंजन। सामने आप लोग देख सकते हैं ये पेट्रोल पे 1200 cc का इंजन। अगर दोस्तों इसके पावर की बात की जाए तो इसमें हमें 82 BHP की पावर और 113 Nm का टॉर्क मिल जाता है। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी प्यारा लुक है दोस्तों हुंडई की i10 नियोस का। ये आप लोग देख सकते हैं इसमें हमें हेडलाइट मिल जाती है, क्योंकि दोस्तों ये हाइलोजन में आती है। प्रोजेक्टर दोस्तों इस वेरियंट में हमें नहीं मिलता है। आप लोग देख सकते हैं इस वेरियंट्स में हमें फॉग लैम्प नहीं मिलती है दोस्तों। अगर हम इससे ऊपर वाला वेरियंट लेते हैं i10 स्पोर्ट्स, तो उसमें दोस्तों हमें फॉग लैम्प मिल जाती है। आप लोग देख सकते हैं रेडिएटर ग्रिल, जो कि दोस्तों हमें ब्लैक कलर में मिल जाती है। आप लोग देख सकते हैं i10 नियोस में हमें कुछ इस तरीके के DR मिल जाते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं हमें इसमें विंडशील्ड मिल जाती है। यहाँ पर दोस्तों हमें रियर वाइपर्स के मिल जाते हैं फ्रंट में। बीच में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हुंडई का लोगो क्रोम में मिल जाता है दोस्तों। फ्रंट लुक आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इस गाड़ी का हमें फ्रंट लुक मिल जाता है। चलिए दोस्तों आप लोगों का साइड का रिव्यू दिखाया जाए, तो आप लोग देख सकते हैं गाड़ी का साइड व्यू हमें कुछ तरीके का मिल जाता है। इस वेरियंट में दोस्तों हमें इंडिकेटर जो है फेंडर पर ही मिल जाते हैं। अगर दोस्तों हम इससे एक वेरिएंट ऊपर लेते हैं i10 स्पोर्ट्स, तो उसमें दोस्तों हमें इंडिकेटर आउटसाइड ORBM भी मिल जाता है। आप लोग देख सकते हैं मगना में दोस्तों हमें ORBM जो है बॉडी कलर में ही मिलते हैं, जिन्हें दोस्तों हम अंदर से ही एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसके डोर हैंडल, जो कि हमें बॉडी कलर के साथ में ही मिलते हैं। पीछे वाले डोर हैंडल ये भी हमें बॉडी कलर के साथ में ही मिलते हैं। अगर दोस्तों इस गाड़ी की लेंथ की बात की जाए, तो इसमें हमें 3805 mm की लेंथ मिल जाती है। अगर इसकी विड्थ की बात की जाए, तो इसमें हमें 1680 mm की विड्थ मिल जाती है, जो कि दोस्तों देखा जाए तो ठीक ठाक विड्थ मिल जाती है हमें इस गाड़ी में। अगर दोस्तों इस गाड़ी के व्हील बेस की बात की जाए, तो इसमें हमें 2450 mm का व्हील बेस मिल जाता है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए, तो इस गाड़ी में हमें 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। चलिए आप लोगों को टायर साइज़ दिखाया जाए, तो आप लोग देख सकते हैं इस वेरियंट्स में हमें नॉर्मली ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं 14 इंच के। आप लोग देख सकते हैं 165/70 R14। इस वेरिएंट में दोस्तों हमें व्हील कैप भी मिल जाते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं व्हील कैप। यहाँ पे देख सकते हैं G i10 ग्रैंड i10 की दोस्तों ये बैजिंग मिल जाती है हमें। चलिए आप लोगों का इसका रियर लुक दिखाया जाए, तो आप लोग देख सकते हैं इस गाड़ी का रियर लुक हमें कुछ इस तरीके का मिल जाता है। रूफ में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका एंटीना दोस्तों हमें कुछ ऐसा मिल जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं हाई माउंटेन स्टॉप लैम्प। अगर दोस्तों बात की जाए, तो दोस्तों इस गाड़ी में हमें दोस्तों ना ही रियर डिफॉर्गर मिलता है, ना ही दोस्तों हमें इस वेरिएंट में रियर वाइपर मिलता है। रियर डिफॉर्गर वाइपर दोस्तों हमें स्पोर्ट्स मॉडल में मिल जाएगा। अभी आप लोग देख रहे हैं ये दोस्तों है i10 मगना, जो कि दोस्तों हुंडई i10 नियोस का सेकेंड बेस मॉडल कह सकते हैं इसको। दोस्तों इसके टेल लाइट की बात की जाए, तो ये हमें टेल लाइट दोस्तों हाइलोजन में मिल जाती है। ये आप लोग देख सकते हैं इसकी रिवर्स लाइट दोस्तों हमें यहाँ मिलती है। इसके दोस्तों टर्निंग इंडिकेटर दोस्तों यहाँ पर मिल जाते हैं हमें। ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों पीछे हमें दो रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, ये देखिए दोस्तों एक इस तरफ और एक दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमें मिल जाता है। इस गाड़ी में दोस्तों हमें चार पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं पीछे हुंडई का लोगो काफ़ी बड़े साइज का है। तो रियर लुक कुछ इस तरीके से हम लोगों को मिल जाता है हुंडई i10 नियोस का। चलिए आप लोगों का बूट स्पेस दिखाया जाए, कि हुंडई i10 नियोस में हमें कितने लीटर का बूट स्पेस मिलता है। आप लोग देख सकते हैं हुंडई i10 नियोस में हमें 260 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। अगर दोस्तों स्टेपनी की बात की जाए, तो वो भी हमें सेम साइज़ की ही मिल जाती है। ये देखिए दोस्तों 14 इंच की स्टेपनी हमें इसे मिल जाती है 165/70 R14। चलिए दोस्तों आप लोगों को गाड़ी का अब इंटीरियर दिखाया जाए, कि हमें इसमें इंटीरियर कैसा मिलता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये इसका ड्राइवर डोर, आप लोग देख सकते हैं ड्राइवर डोर में हमें इसमें चारों पावर विंडो के स्विच यहीं मिल जाते हैं। ये देखिए दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं, ये अंदर के दोस्तों हमें इसका ये डोर हैंडल दोस्तों ब्लैक कलर मिल जाता है।
ड्राइवर डोर में दोस्तों हमें 1 लीटर बॉटल रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। देखिए यहाँ पे दोस्तों हमें थोड़ा सा स्पेस और मिल जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो इंटीरियर है हमें कुछ तरीके का मिल जाता है। ये दोस्तों डुअल टोन के साथ में आता है। आप लोग देख सकते हैं वारवियम जिनको दोस्तों हम अंदर से ही एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ड्राइवर सीट, इसमें दोस्तों जो हेडरेस्ट आते हैं ये फिक्स हेडरेस्ट हमें मिलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी बड़े साइज़ की सीट्स मिलती है इसमें, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की दोस्तों सीट्स हैं। तो सीट्स की बात की जाए तो इसको हम आगे पीछे रिक्लाइन कर सकते हैं। हाइट एडजस्टमेंट वाला दोस्तों फीचर हमें इस वेरियंट में नहीं मिलता है, वो दोस्तों हमें i10 स्पोर्ट्स में मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं इस वेरियंट्स में हमें स्पीकर भी मिल जाते हैं दोस्तों, इसमें हमें 4 स्पीकर मिलते हैं। ये दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये कुछ इस तरीके का हम लोगों को इसका डैशबोर्ड मिल जाता है। ये देखिए जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, ये देख सकते हैं आप लोग काफ़ी अच्छी प्लास्टिक की क्वालिटी है इसकी, देख सकते हैं आप। IRVM की बात की जाए तो ये मैनुअली डे नाइट ऑप्शन के साथ में आता है। अगर दोस्तों ड्राइवर सनवाइजर की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं ड्राइवर सनवाइजर हमें टिकट होल्डर के साथ में मिल जाता है। अगर को ड्राइवर सनवाइजर की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं को ड्राइवर सनवाइजर, इसमें हमें मिरर मिल जाता है। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके के हमें इसमें AC वेंट्स मिल जाते हैं। AC वेंट्स दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ पर्सनली मुझे इसके AC वेंट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए आप इसके AC वेंट्स दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो आप लोग देख सकते हैं हमें इसमें कुछ इस तरीके का स्टेयरिंग मिल जाता है। स्टेयरिंग पर ही दोस्तों हमें कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों अगर इस गाड़ी की सेफ्टी की बात की जाए तो इसमें हमें 2 एयरबैग मिल जाते हैं। 1 एयरबैग दोस्तों आप देख सकते हैं और 1 एयरबैग हमें यहाँ पे मिल जाता है। इस गाड़ी में दोस्तों हमें ABS, EBD, इंजन इमोलाइजर जैसे सारे फीचर मिल जाते हैं सेफ्टी के लिए। अगर दोस्तों ब्रेक की बात की जाए तो आगे दोस्तों हमें इसमें डिस्क ब्रेक मिल जाती है, पीछे दोस्तों हमें ड्रम ब्रेक्स मिल जाती है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हैजार्ड लाइट्स ऑन करने के लिए हमें स्विच यहाँ पर मिल जाता है। नीचे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमें 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं USB ऑक्स कनेक्ट करने के लिए दोस्तों मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है अपना फ़ोन रखने के लिए। अगर दोस्तों हम इसका आस्था लेते हैं टॉप मॉडल तो उसमें दोस्तों हमें वायरलेस चार्जर मिल जाता है जो कि दोस्तों इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। आप लोग देख सकते हैं ये गाड़ी हमें 5 स्पीड मैनुअल गियर के साथ में मिलती है। इसमें दोस्तों ऑटोमेटिक भी हमें अवेलेबल है। अभी दोस्तों जिस गाड़ी का हम रिव्यू कर रहे हैं ये गाड़ी मैनुअल में आती है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमें 2 कप होल्डर मिल जाते हैं काफ़ी बड़े साइज़ के। यहाँ पे भी दोस्तों हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। अगर इसके हैंड ब्रेक की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं इसकी हैंड ब्रेक हमें ब्लैक कलर में मिल जाती है। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे अपना हम कुछ भी सामान रख सकते हैं। चलिए आप लोगों को ग्लव बॉक्स दिखाया जाए तो आप लोग देख सकते हैं इसमें हमें काफ़ी बड़े साइज़ का ग्लव बॉक्स मिल जाता है। हुंडई की गाड़ी की एक बात सबसे अच्छी मुझे लगती है, हुंडई की गाड़ी की जो प्लास्टिक क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है और हुंडई अपनी गाड़ी में फिनिशिंग सबसे अच्छी करता है। हुंडई की गाड़ियों की दोस्तों फिनिशिंग जो है बहुत ही अच्छी होती है, बिल्कुल लाजवाब फिनिशिंग करता है हुंडई। चलिए दोस्तों आप लोगों को गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करके दिखाया जाए। आप लोग देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके का इस गाड़ी में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। यह हमें इसका RPM मीटर मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसका स्पीडोमीटर, ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ अपनी ट्रिप भी एडजस्ट कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। चलिए आप लोगों को गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम दिखाया जाए तो हमें इसमें म्यूजिक सिस्टम कैसा मिलता है तो आप लोग देख सकते हैं इसमें दोस्तों हमें म्यूजिक सिस्टम कुछ इस तरीके का मिल जाता है। इस वेरिएंट में दोस्तों हमें रिवर्स कैमरा नहीं मिलता है, ना ही दोस्तों इस वेरिएंट में हमें टच डिस्प्ले मिलती है। दोस्तों अगर स्टेयरिंग की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं इसमें हमें दोस्तों स्टेयरिंग जो मिलता है दोस्तों हमें टिल्ट के साथ मिलता है, देख सकते हैं आप लोग। टेलीस्कोपिक दोस्तों हमें इस वेरियंट में नहीं मिलता है, टेलीस्कोपिक दोस्तों हमें i10 स्पोर्ट्स में मिलेगा। और अभी जो हम बैठे हुए हैं ये है हुंडई की i10 मगना। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमें लाइट्स ऑन करने के लिए दोस्तों हमें मिल जाता है स्विच, ये देखिए। यहाँ पे दोस्तों अपने वाइपर ऑन कर सकते हैं यहाँ से। हेडलाइट को दोस्तों एडजस्ट करने के लिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों हमें मिल जाता है ये बटन दोस्तों, देख सकते हैं आप। चलिए आप लोगों को अब रियर सीट दिखाई जाएगी। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों रियर डोर कुछ इस तरीके का दोस्तों हमें मिल जाता है। ये देखिए ये इसके डोर हैंडल जो कि हमें ब्लैक कलर में मिल जाते हैं। पीछे वाले डोर में भी हमें पावर विंडो के लिए स्विच मिल जाता है, ये देखिए। यहाँ पे भी दोस्तों हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है 1 लीटर बोतल रखने के लिए। चलिए आप लोगों को इसकी अब सीट दिखाई जाए तो आप लोग देख सकते हैं। अगर दोस्तों इसके हेडरेस्ट की बात की जाए तो ये फिक्स आते हैं, ये देखिए। दोस्तों अगर सीट की क्वालिटी की बात की जाए तो सीट क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, प्योर फैब्रिक में है। चलिए दोस्तों अब गाड़ी के अंदर बैठा जाए तो आप लोग देख सकते हैं अभी फ़िलहाल मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूँ पीछे वाली सीट पे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं
मेरी हाइट जो कि दोस्तों 5.5 फीट है, मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आगे वाली सीट एडजस्ट कर रखी है। फिर भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मुझे इसमें कितना ज़्यादा लेग रूम मिलता है, ये देखिए दोस्तों। अगर दोस्तों इसके थाई स्पोर्ट की बात की जाए तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं थाई स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छा है, आराम से इस गाड़ी में आप बैठ सकते हैं, कितना भी लंबा आपको सफ़र करना हो बिल्कुल भी आपको थकावट नहीं आएगी। देख सकते हैं आप लोग इसमें हमें बिल्कुल बीचों बीच में दोस्तों हमें इसमें कैबिन लाइट्स मिल जाती है, देखिए देख सकते हैं आप लोग, जो कि दोस्तों हाइलोजन में है। दोस्तों इस गाड़ी की सबसे अच्छी क्वालिटी यही है कि i10 मगना में भी हमें दोस्तों पीछे एसी वेंट्स मिल जाते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग पीछे हमें एसी वेंट्स मिल जाते हैं, जो कि हम इन्हें यहीं से कंट्रोल्स भी कर सकते हैं। ये देखिए इस गाड़ी में दोस्तों हमें पीछे चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है 12 वोल्ट का, देखिए ये आप लोग देख सकते हैं। अगर दोस्तों हम की बात की जाए तो इसमें बिल्कुल भी हम हमें नहीं मिलता, बिल्कुल फ्लैट बॉटम के साथ मिलती है पीछे वाली सीट। इस गाड़ी में दोस्तों 3 लोग बहुत ही आराम से बैठ सकते हैं। पीछे वाले डोर पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमें स्पीकर भी मिल जाता है लगा हुआ। इस गाड़ी में दोस्तों हमें 4 स्पीकर मिल जाते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। इसका ग्रैब हैंडल हमें फिक्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों पीछे की सीट से फ्रंट का दोस्तों जो लुक है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखता है, ये देखिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा प्यारा लुक है इस गाड़ी का। अभी मैं आया हुआ था हुंडई के शोरूम में दोस्तों, ये पड़ता है लखनऊ रोड पे। अगर दोस्तों आपको रेट की कोई जानकारी चाहिए दोस्तों आप शोरूम में आके विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ओके बाय, मिलते हैं आप सब लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।